आज के सीडियो मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन आपको एलजेब्रा से बताऊंगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको एलजेब्रा से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू फोर है तो इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो चलिए देखा क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपका यह है कि यहाँ पे जो साइन है इसी का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जो साइन आपको दिख रहे हैं इसी का कॉन्सेप्ट आपको बनाना है। जैसे अगर यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, ठीक है, अगर ये दोनों क्या है प्लस प्लस है, तो आपको लेना कौन सा साइन, माइनस आपको लेना है। अगर दोनों प्लस प्लस रहेंगे आपको कौन सा साइन लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। अभी कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको देखिए, अगर दोनों साइन क्या हो माइनस माइनस हो आपको कौन सा साइन लेना है, प्लस साइन आपको लेना है। अगर पहला यहाँ पे प्लस हो जाए और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाए माइनस हो जाए, कहने का मतलब यहाँ पे प्लस हो जाए और यहाँ पे माइनस हो जाए, तो आपको कौन सा साइन लेना है, आपको प्लस साइन आपको लेना है, ठीक है। अगर पहले में माइनस हो जाए और दूसरे में क्या हो जाए प्लस हो जाए, ये कंडीशन तो हो सकती कि नहीं हो सकती, हो सकती, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करें, प्लस साइन आपको लेना है, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पे दोनों प्लस प्लस साइन रहेंगे तो आपको कौन सा साइन लेना है, माइनस साइन लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर ये दोनों माइनस माइनस रहेंगे तो कौन सा साइन लेना है, आपको प्लस साइन आपको लेना है। अगर पहला प्लस रहे दूसरा माइनस रहे तो भी आपको क्या लेना, प्लस आपको लेना है, ठीक है। अगर पहला माइनस रहे और दूसरा क्या रहे प्लस रहे, तो भी आपको कौन सा साइन लेना, आपको प्लस साइन आपको लेना है। कैसे आप इसे याद रखेंगे, सिर्फ आपको पहला वाला देखिए प्लस प्लस है तो आपको माइनस लेना है, बाकी कोई भी इसमें कंडीशन है आपको क्या करना, हर हाल में प्लस आपको लेना है। अब क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू दी गई आपको करना है कि इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में दिया आपको करना है कि चार का स्क्वायर कर लिया, चार का स्क्वायर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस साइन है ना, तो करना है कि माइनस क्या करिए इसमें से दो घटा दीजिए, ठीक है। अगर प्लस प्लस साइन है तो क्या करना है, कौन सा साइन लेना, आपको माइनस साइन आपको लेना है। आपने इसका स्क्वायर कर लिया, फिर क्या करना आपको इसमें से घटा लीजिए। अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये 16 मिलेगा, कितना मिल जाएगा 16। 16 में से क्या करना, दो घटा लेंगे। अगर इसको घटा लेंगे तो यहां से कितना बच जाए आपका 14। ये आपको क्या गया आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। वैसे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना है कि इसका स्क्वायर करके क्या करें, अगर स्क्वायर के फॉर्म में तो इसका स्क्वायर करके क्या करें, इसमें से आप दो घटा लिए आपको क्या जाएगा आंसर आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा जिसमें ये पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको इस वीडियो आपको यही बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू थ्री है तो इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है। और ये देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है और साइन देखिए दोनों क्या प्लस प्लस है, तो करना है कि आप इसका क्या करिए, आप स्क्वायर कर लें। तीन का क्या करना आपको, स्क्वायर करना। तीन का स्क्वायर करके क्या करना आपको इसमें, अगर ये प्लस प्लस है तो क्या करना आपको, माइनस करना। ऊपर मैंने साइन लिखा, आप एक बार फिर से देख सकते हैं, प्लस प्लस है तो क्या करना आपको, माइनस करना। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस टू हो गया, इससे हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो कितना मिल जाएगा, नौ मिल जाएगा। नौ में से दो घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, सात आपको मिल जाएगा। ये इसका क्या गया आंसर, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फोर है तो इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या स्क्वायर के फॉर्म है, तो क्या करना आपको, इसका स्क्वायर करना है। चार का क्या करना आपको, स्क्वायर करना। आप यहाँ से चार का स्क्वायर कर लेंगे। अब आपको ये चेक करना कि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस प्लस। तो मैंने आपको क्या होता है, अगर माइनस प्लस है तो कौन सा साइन आप लेंगे, कौन सा साइन लेंगे आप, प्लस साइन लेंगे। तो करना कि आप यहाँ से प्लस करके इसमें क्या करेंगे, दो जोड़ लेंगे, ठीक है। जो आपने स्क्वायर किया इसका, फिर क्या करना आपको, इसमें दो आपको जोड़ लेंगे। अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो कितना मिलेगा इसको, चार का स्क्वायर कितना होता है, 16 हो जाएगा। 16 में क्या करना आपको, दो जोड़ लीजिए। अगर आप दो जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 18 मिलेगा। इसका आंसर कितना गया, 18 आ गया, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर ये पावर 3 हो तो क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा यही है, अगर यहाँ पे पावर क्या हो, 3 हो तो क्या करेंगे। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू है तो इसका मान आपसे पूछा गया, x की पावर 3 प्लस एक्स वन अपॉन एक्स की पावर 3, इसका मान आपसे पूछा गया। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ।
सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्यूब के फॉर्म में दिया ना, क्यूब के फॉर्म में दिया, तो करना क्या, इसका क्या करेंगे आप, क्यूब करेंगे। दो का क्यूब कितना मिला आपको, दो का क्यूब यहाँ से कर लेंगे। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे क्या प्लस प्लस साइन है, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया, अगर दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो हमको कौन सा साइन लेना है यहाँ पे, अगर दोनों प्लस प्लस कौन सा साइन लेना, आपको माइनस ले लेना है। तो करना क्या आप यहाँ से माइनस ले लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करें, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, अगर इसका इसमें गुणा करें कितना हो गया, छह गया। इसका इसमें गुणा करके क्या करिए, इसमें से घटा लीजिए। मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका मान इस तरह से दे दिया गया और इसका मान आपसे पूछा गया, अगर ये क्यूब के फॉर्म है तो क्या करना आपको, इसका क्यूब करेंगे, इतना आपने कर लिया, इतना आपको क्लियर है। फिर मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पे प्लस प्लस साइन है तो आपको कौन सा साइन लेना, माइनस साइन आप यहाँ से ले लीजिए, और इन दोनों का गुणा करके इसमें से क्या करेंगे आप, घटा लीजिए, ठीक है। अगर आप इसे प्रसार करेंगे तो दो का क्यूब कितना मिलेगा, आठ मिलेगा। अब इसमें से क्या करना है, छह घटाना है, छह घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, दो बच जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, दो आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका, मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसी तरह से क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन फाइव देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक्स माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू फाइव है तो इसका मान आपसे पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पे क्यू के फॉर्म है, तो करना क्या आपको, इसका क्या करना, आपको क्यूब करना है। अगर आप यहाँ से पांच का क्यूब कर लीजिए, अब आपको इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस माइनस है। तो मैंने क्या बताया आपको पहले क्वेश्चन में, अगर दोनों माइनस माइनस रहेंगे तो आपको कौन सा साइन लेना, आपको प्लस साइन आपको लेना है, और इन दोनों का गुणा करके क्या करना है, इसमें आप जोड़ लीजिए। अगर इन दोनों का गुणा करें कितना मिले आपको, पंद्रह मिल जाएगा। पंद्रह क्या करना आपको, इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो पांच का क्यूब यानी एक्स कितना मिल जाएगा, एक सौ पच्चीस मिल जाएगा। पांच का क्यूब कितना, एक सौ पच्चीस। इसमें कितना जोड़ना है, पंद्रह जोड़ना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, एक सौ चालीस मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि इसका मान आपको कितना पता चल गया, 140। तो बी ऑप्शन किसका, मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जहां पे ये पावर क्या, फोर है, यहाँ पे पावर थ्री है, लेकिन अगले क्वेश्चन में देखा जाए जहां पे ये पावर फोर हो जाए तो क्या करेंगे। क्वेश्चन सिक्स देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू थ्री है तो इसका मान आपसे पूछा गया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पूछा कि आपसे इसका मान दे दिया गया और पूछा कि आपसे इसका मान आप पूछे, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग चार को इस तरह लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे जो चार है हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, दो गुणे दो कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। इस पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो गुणे दो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अगर हम लोग पहले वाले क्वेश्चन पे जाए तो वहां पे क्या स्क्वायर के फॉर्म में था कि नहीं था, इस तरह से दे दिया था, आपको क्या पूछा था, स्क्वायर के फॉर्म में आपको पूछा था। अगर हम लोग करें क्या, चार को इस तरह लिख सकते हैं क्या, कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले करना क्या आपको, मैं बता रहा हूँ, तीन का क्या करिए आप, तीन का क्या करिए, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म है ना, तीन का क्या करिए आप, यहाँ से पहले वाले के साथ दो ले लिए, पहले वाले दो के साथ में क्या करो, इसका कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर पहले की तरह आपको कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन क्या प्लस प्लस है, अगर ये साइन प्लस प्लस है तो क्या करना आपको, जो स्क्वायर किया आपने इसको क्या करना आपको, इसमें से घटा लीजिए। अगर आप इससे प्रसार करें तो इसका मान कितना मिल जाएगा, नौ मिल जाएगा। नौ में से दो घटाएंगे तो कितना बच गया आपका मान, सात, ठीक है। लेकिन अभी आपका ये आंसर नहीं आया, अभी एक दो यहाँ से बचा हुआ, ठीक है। अब करना है क्या, इसका क्या करना आपको, यहाँ पे जो सात बच गया आप इसको यहाँ से फिर से लिख लिए। अब ये जो सात है आप क्या करना है, इसको अभी स्क्वायर करना है, ये दो अभी आपका बचा है, इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। अब माइनस हो जाएगा, फिर इसमें से क्या करें हम लोग, दो घटा लेंगे। अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो इसका मान कितना मिल जाएगा, सात का स्क्वायर कितना होता है, उनचास होता है। उनचास में से दो घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ से आपको, सैतालीस मिल जाएगा। इसका आंसर कितना गया, 47 आ गया। तो बी ऑप्शन किसका, मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें करना क्या, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो पावर दी गई क्या आप इसको इस तरह लिख सकते, क्या दो गुणे दो लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। चार को आप इस तरह लिख सकते, कोई फर्क नहीं। तो इसको तरह मैंने लिख लिया, तो क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जो तीन लिखा इसको मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर पहले की तरह पहले मैंने क्या कर दिया, पहले वाले दो को लेकर सोल्व किया। सोल्व करने के बाद मुझे इतना मिल गया, फिर साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी ये दो बचा है, फिर क्या कर दिया, इसका स्क्वायर करके फिर यहाँ पे क्या कर दिया, दो घटा दिया और इसको सॉल्व कर, इसका आंसर कितना गया, 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर ये पावर 5 हो तो क्या करेगी। अगला क्वेश्चन ये कि अगर यहाँ पे पावर क्या 5 हो जाए तो क्या करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू थ्री हो तो इसका मान आपसे पूछा गया। यहाँ पे देखिए पावर क्या 5 है, तो कैसे आप इसे सोल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो पावर दी गई इसे क्या करना, छोटी संख्या के रूप में ब्रेक करना है। तो आप इसको क्या कर सकते, इस तरह लिख सकते क्या, 2,3 कर सकते, कोई फर्क नहीं। आप इसको क्या कर सकते, ऐसे ब्रेक करेंगे, आप ऐसे ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है।
फोर कामा वन, यानी वन के फॉर्म में मुझे ब्रेक नहीं करना, ऐसे हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग मान लें एक बार पावर क्या दो दो ले लिया जाएगा, ठीक है, पावर क्या दो दो ले लिया जाएगा, और एक बार पावर क्या कर लिया तीन तीन ले लिया जाएगा, एक बार पावर क्या कर लिए तीन तीन ले लिया। अगर यहाँ पे पावर दो ले ली जाए तो क्वेश्चन नंबर पहले की तरह सॉल्व हुआ, तो क्वेश्चन नंबर पहले की तरह सॉल्व हुआ। अगर यहाँ पे पावर दो ले ली जाए तो क्वेश्चन नंबर पहले की तरह सॉल्व हुआ। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो करना क्या आपको, इसका क्या करना स्क्वायर करें, तीन का स्क्वायर कर लेंगे, तीन का स्क्वायर करके क्या करना आपको, इसमें से ये क्या करना घटाना है, यहाँ पे प्लस प्लस साइन है तो क्या करना आपको घटाना है। ठीक है, अगर आप इसको घटा देंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा नौ हो गया। अब नौ में से क्या करना आपको दो घटाना, अगर आप घटाएंगे तो यहाँ से कितना बच जाए आपका सात बच गया। ठीक है, हम लोग मान लें इस क्वेश्चन नंबर वन। अब यहाँ पे क्या करना पावर तीन लेना है, अगर ये पावर तीन लेना इसको मैंने क्या बताया क्वेश्चन नंबर फोर मैंने आपको बताया, जब पावर क्या होती हो तो कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर फोर में मैंने आपको बताया। आपको करना कि यहाँ पे ये लिखना होगा तीन, आप यहाँ से लिख लीजिए। अब पावर क्या करना तीन के फॉर्म में लेना है, आप इसको क्या करें यहाँ से क्यूब कर लीजिए, अगर ये प्लस प्लस है तो क्या करना आपको यहाँ से माइनस कर लेना। अब इन दोनों का गुणा करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें से घटाते कि नहीं घटाते, क्वेश्चन नंबर फोर मैंने आपको यही तो बताया, अगर इन दोनों का गुणा करें कितना मिल गया नौ मिल गया, नौ इसमें से क्या करिए आप घटा लीजिए, अगर यहां से करेंगे तो कितना मिल जाएगा सत्ताईस मिल जाएगा, तीन का क्यूब कितना हो जाएगा सत्ताईस हो गया, सत्ताईस में से क्या करना आपको घटाना, ये कितना बच जाएगा आपका अट्ठारह बच गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका टू आ गया। अब इन दोनों का गुणा करके क्या करना आपको, ये तीन इसमें से घटा लीजिए, इन दोनों का गुणा करके ये जो तीन दिया गया इसमें से घटा लीजिए, आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो यहां से अट्ठारह गुणे सात हो गया, इन दोनों का गुणा करके क्या करना है ये तीन आपको घटाना है, अगर आप यहाँ से तीन घटा देंगे आपको ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो अट्ठारह सात कितना होता है एक सौ छब्बीस हो जाएगा, एक सौ छब्बीस, एक सौ छब्बीस में से तीन घटा देंगे तो कितना बच जाए आपको यहाँ से एक सौ तेईस बच जाएगा, कितना बच जाएगा एक सौ तेईस आपका बचे, ये आपको क्या गया आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको क्या गया आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया इसलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।